हे गाइस, वेलकम बैक टू मिस्टर व्यास। और एक बार फिर से आपको आस्क अ क्वेश्चन सीरीज पार्ट टू में आपका स्वागत है, जहां पर आपका होगा सवाल और मेरा होगा जवाब ब्लॉगिंग पे। इसको लेकर के हमने कमेंट किया था, एक पोस्ट क्रिएट किया था, वहां पे अराउंड 33 कमेंट्स है। तो गाइस, हम उसमें से कुछ रैंडम पिकअप करेंगे 11 मिनट के वीडियो के अंदर, जितना हो सके उतना कवर करने की ट्राई करेंगे। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर नहीं किया हो तो सब्सक्राइब के बटन को हिट कीजिए। चलिए गाइस, सबसे पहला सवाल है वो है सनी पटेल का, और इनका कहना है कि ब्रो, मैंने अभी तक 5 ब्लॉग बनाए हैं, तो कितने ब्लॉग के बाद एडसेंस में अप्रूवल के लिए भेजूं, और हर दिन का अगर यूएस का 1000 पेज व्यूज आता है तो कितना पैसा मिलेगा। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो इन्होंने जो लिखा है 5 ब्लॉग बनाए, मेरे हिसाब से शायद इनका कहना है कि 5 ब्लॉग पोस्ट क्रिएट किए हुए, शायद उनकी एक वेबसाइट पर उन्होंने 5 क्रिएट किए हुए हैं। अगर ये सही है तो गाइस, मैं एडवाइस देता हूं आपको करीब करीब 15 पोस्ट आपकी साइट पे होने चाहिए, इसके बाद ही आप एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजें। और इससे रिलेटेड ज्यादा इंक्वायरी के लिए ये आई बटन में जो वीडियो है एडसेंस अप्रूवल से पहले की चेकलिस्ट, वहां पे जाइए, उसको चेक कीजिए, और वहां पर लाइव प्रूफ के साथ में मैंने दिखाया कि किसी वेबसाइट को आपको भेजना है जहां से अप्रूवल मिल सके। दूसरा उनका जो पार्ट था वो ये था कि 1000 पेज व्यूज अगर यूएस से आते हैं तो आपको कितना अर्निंग हो सकता है। देखिए, डिपेंड करता है निच पे, लेकिन अगर आप यूएस से 1000 पेज व्यूज लेके आते हैं तो वहां पे जो एडसेंस का जो एड रेट होता है, मैं 70% काउंट करूं तो करीब करीब $2-3 आपकी अर्निंग के चांसेस हैं। जी हाँ। चलिए गाइस, नेक्स्ट चलते हैं, वो है सुनील कुमार पटेल का, भाई हिंदी कीवर्ड रिसर्च पे वीडियो बनाओ। चलिए, इस पे बना देंगे। नेक्स्ट वन है ट्रिकी टिप्स, इनका कहना है कि व्यास सर, अगर 8 वेबसाइट्स डिफरेंट निशेस में बना ले जो यूएस को टारगेटेड हो और सब में media.net का अप्रूवल कर लेने तो क्या अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी। तो देखिए, इनका कहना है कि 8 वेबसाइट्स है, वो सारी के सारी वेबसाइट को अगर आप यूएस के लिए टारगेट करें और वहां पे media.net का अगर अप्रूवल लेके आए तो क्या वहां पे अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी। मैं आपको कहूंगा डेफिनेटली हो जाएगी। अगर रीजन media.net उसका जो मैक्सिमम क्राइटेरिया अगर आपकी साइट पे अप्रूवल के लिए वो है कि आपकी साइट का ट्रैफिक यूएस से आना चाहिए। दूसरी बड़ी चीज की अगर आप डेफिनेटली यूएस को टारगेट कर रहे हैं आपकी सारे की साइट्स और वहां पे media.net का अप्रूवल है तो इससे बेटर गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है, ये है हिमांशु बदोले का, और इनका कहना है कि भाई मेरा एडसेंस अकाउंट डिसेबल हो गया है तो क्या मैं ब्लॉगर में फ्री वेबसाइट क्रिएट करके उस वेबसाइट में एडसेंस को अप्रूव करके उसको अपनी मेन वेबसाइट में यूज कर सकता हूं क्या। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि एडसेंस का जो अप्रूवल मिलता है वो ब्लॉगर और वर्डप्रेस, उसका कोई लिंक नहीं है। द लिंक इज ऑल अबाउट विद द डोमेन, जिस डोमेन के लिए आपने एडसेंस का अप्रूवल लिखा है उसका जो कंटेंट है, मैं एडवाइस करता हूं कि आप उसके थ्रू अप्रूव्ड एडसेंस अकाउंट को उसी वेबसाइट के लिए यूज करें। सो डेफिनेटली अगर चाहे तो आप ब्लॉगर में जाकर नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं क्रिएट करनी है तो डेफिनेटली उसके लिए नया अप्रूवल प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और वो जिस डोमेन के लिए अप्रूव होगा आप उसी डोमेन पे इसको यूज कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के नेक्स्ट वाले के अंदर, और ये है तन्मय मेहती का, और इनका कहना है कि मैं अपनी साइट के लिए एक कस्टम डोमेन खरीद लिया गोडेडी से, दैट्स फाइन, बट होस्टिंग नहीं कराए, दैट्स फाइन, डोमेन को लिंक भी किया ब्लॉगर से, दैट्स फाइन। तो नेक्स्ट इनका सवाल है कि सर, मेरा क्वेश्चन है होस्टिंग खरीदना जरूरी है या नहीं, या मैं ब्लॉगर में ही होस्ट कर सकता हूं, अगर मेरे पास होस्टिंग नहीं है तो क्या मैं इसको एडसेंस अप्रूवल के लिए भेज सकता हूं या नहीं। भाई, इसके लिए आपको एक काम करना होगा, मेरी ब्लॉगर बिगिनर टू एडवांस के सीरीज का जो वीडियो है वो आप डेफिनेटली जाके देखें। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ब्लॉगर के अंदर अगर आपकी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं, वहां पे ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, तो वहां पे होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस साइड यूजर्स के लिए ही होस्टिंग इंपॉर्टेंट है। होस्टिंग इज ऑल अबाउट आपका अगर जो कंटेंट है उसको किसी जगह पर रखना है, तो अगर आप ब्लॉगर का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं जो गूगल का ऑन प्लेटफॉर्म है, वहां पे सिर्फ आपको कस्टम डोमेन खरीदने की जरूरत है, वो भी उनके थ्रू दिया जाता है, लेकिन आप कस्टम डोमेन खरीदिए, होस्टिंग आपके लिए अनलिमिटेड है, आप जितना चाहे वहां पे कंटेंट होस्ट कर सकते हैं। सो वीडियो डेफिनेटली देखिएगा, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट है सरकारी एग्जाम इजी, और इनका कहना है कि सर, मैं अपनी वेबसाइट पर इंग्लिश में कंटेंट डालता हूं, क्या इन्हीं पोस्ट को हिंदी ट्रांसलेट कर दूसरा हिंदी वेबसाइट बनाकर डाल सकते हैं क्या। डेफिनेटली डाल सकते हैं, मगर ध्यान रखिएगा कि आप उनका कन्वर्जन किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू करेंगे कि ये हिंदी का कंटेंट डालो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, डेफिनेटली उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होना चाहिए। अप टू 20% का कंटेंट आपका अगर एल्गोरिथम में चला जाएगा तो गाइस वहां से आपको दिक्कत हो सकती है, तो क्वाइट बेटर आप वही कंटेंट को डेफिनेटली किसी टूल के थ्रू ट्रांसलेट मत कीजिए, लेकिन अपने सेल्फ लैंग्वेज के अंदर अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो मैं समझता हूं कि ये बेटर अप्रोच होगी, इंस्टेड कि आप किसी कन्वर्टर से उसको कन्वर्ट करके सीधा ही अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है अश्विनी कुमार का, और इनका कहना है कि ब्रो, 1.5 ईयर ओल्ड वेबसाइट है लेकिन ट्रैफिक जीरो है, DA 22 है, PA 42 है, ट्रैफिक कैसे इंक्रीज करूं, एडसेंस आर्बिट्राज के बारे में कुछ सिखा दो प्लीज।
सो देखिए, ये एक बहुत बड़ा अच्छा एग्जांपल है हमारे पास। 1.5 साल पुरानी साइड है जिसका डोमेन अथॉरिटी है 22, पेज अथॉरिटी है 42, दैट्स ग्रेट, लेकिन फिर भी साइज पे ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा है? तो ये मेरे उस भाई के लिए भी सवाल, जो उनका सवाल था कि क्या डोमेन अथॉरिटी इतना मैटर करता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डजंट मैटर, बिकॉज कंटेंट इज ऑलवेज किंग। अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली साइट रैंक करेगी। और यहाँ पे जो आपने पूछा है कि एडसेंस आर्बिट्राज के टेक्निक्स क्या है, तो आपने अगर फेसबुक Part 1, Part 2 और Part 3 ट्रैफिक आर्बिट्राज के टेक्निक्स को मिस किया है, तो ये आई बटन के अंदर जो लिंक है वहां पे एक प्लेलिस्ट है 3 वीडियो की, आपके सवाल का जवाब वहां पे। और जो नए हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके एकदम ब्रांड न्यू वेबसाइट है जहां पे एडसेंस अर्निंग अभी स्टार्ट नहीं हो पा रही है, तो आप ट्रैफिक आर्बिट्राज के टेक्निक्स के साथ में जा सकते हैं, फर्स्ट डे से ही इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा अगर अकाउंट एडसेंस अप्रूव्ड है। तो डेफिनेटली आई बटन के अंदर प्लेलिस्ट है, वीडियो जाकर के देखिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज वैष्णव एम का है। इनका कहना है कि पोस्ट को फुली कस्टमाइज कैसे करें। आई डिडंट मीन कि कस्टमाइज कैसे करें गाइस, पोस्ट को कस्टमाइज नहीं किया जाता है, पोस्ट को प्रॉपरली राइट किया जाता है, और ये पार्ट होता है ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स का। तो ये एक वीडियो है जहां पे आपको डेफिनेटली लिखना है, आप सभी के लिए कॉमन वीडियो है जहां पे आप सीख सकते हैं कि अगर आपको एक एसईओ फ्रेंडली एक कीवर्ड टारगेटेड पोस्ट लिखना है वर्डप्रेस के अंदर, या फिर ब्लॉगर का ब्लॉगर में, अदरवाइज वर्डप्रेस के अंदर आपको कैसे टारगेट करना है। 23 मिनट का वीडियो, अगर आपने इसको देख लिया तो शायद ये कंटेंट आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं। मैंने प्रैक्टिकली आपको लाइव एग्जांपल के साथ में सिखाया है कैसे कीवर्ड को टारगेट करना है, कैसे वर्डप्रेस के अंदर आपको पोस्ट को लिखना है। ये सीख गए तो दैट इज ऑल अबाउट कंटेंट इज द किंग, सो डेफिनेटली उसको जाके देखें। नेक्स्ट चलते हैं, ये है डील वर्सेस ऑफर। इनका कहना है कि ब्लॉगर पर एडसेंस अप्रूव होगा या नहीं, एडसेंस अप्रूव होने के बाद थीम चेंज करने से कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? नहीं फर्क पड़ेगा, डेफिनेटली ब्लॉगर पे अप्रूवल होता है, लेकिन मैं एडवाइस करता हूं कि वहां कस्टम डोमेन के साथ में जाइए, .blogspot.com के साथ में मत जाइए, मिलता है वहां पे भी अप्रूवल, रिस्क क्यों लेना, राइट? तो क्वाइट बेटर है आप कस्टम डोमेन 200-400 रुपए का होता है जो खरीद लीजिए, इसके बाद में आप इसको एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजिए। अगर एडसेंस अप्रूवल मिल जाता है तो इसके बाद में आप साइट पे कुछ भी चेंजेस करें, डजंट मेक एनी सेंस। इवन मेरी साइट का जो अप्रूवल था मैंने ब्लॉगर पे लिया था, जैसे एडसेंस अप्रूवल मिला 15 दिन के अंदर मैंने साइट को वर्डप्रेस पे मूव कर दिया। दैट्स ऑल अबाउट माय स्ट्रेटजी। अगर आप बिगिनर हैं, पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप इस अप्रोच के साथ में जा सकते हैं। और ब्लॉगर में कैसे क्रिएट करना है, आपको वेबसाइट प्लेलिस्ट है 3 वीडियो, बिगिनर टू एडवांस यू आर डन, तो उसको डेफिनेटली देखिए। नेक्स्ट है एल्ले के एल्ले, डेफिनेटली सर, कैन आई रैंक विद फ्री थीम विद ब्लॉगर इफ द कीवर्ड हैज 80+ डीए वेबसाइट बट द एसईओ डिफिकल्टी इज बिलो 25, कैन आई रैंक विद फ्री थीम विद ब्लॉगर? डेफिनेटली, मैं खुद ने फ्री थीम, अगर आपको पता नहीं है कि ब्लॉगर में कौन सी फ्री थीम आपको यूज करनी है, तो आप जा सकते हैं कलर्ड मिनिमा 3। कैसे थीम को कस्टमाइज करना है यहां पे देखिए, आई बटन के अंदर लिंक है, जाकर के देखिए, ठीक है। इसके बाद है इफ द कीवर्ड हैज 80+ डीए, अगर किसी कीवर्ड पे 80+ डीए है, मतलब ऑलरेडी साइट जो रैंक कर रही है उसकी अथॉरिटी 80 है, लेकिन उसका एसईओ डिफिकल्टी 25 आ रहा है, तो क्या मैं रैंक कर सकता हूं? नहीं। बहुत बड़ा सवाल और बहुत अच्छा सवाल। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरा प्रीवियस वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया था कि कैसे आपके कॉम्पिटिटर को आपको बिट करना है, इट डजेंट मैटर कि आपके कॉम्पिटिटर का डोमेन अथॉरिटी 80 या 90, अगर आपने वो वीडियो मिस किया दैट मीन्स कि आप ब्लॉगिंग की सबसे बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। तो गाइस आई बटन के अंदर वीडियो सब जाके देखिए, अगर किसी को किसी के कॉम्पिटिटर को बिट करना है तो कैसे कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में, बेसिकली लोग इसके लिए आपको चार्ज करते हैं 2,000-3,000 रुपए लेकर के, आपसे कोर्स सेल करते हैं सिर्फ यही टेक्निक सिखाने के लिए। सो जाके देखिए आई बटन के अंदर, आपका आंसर वहीं पे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इनका कहना है कि IBC Solanki, इनका कहना है कि आई हैव 8-month-old एडसेंस विद जॉब साइट बट स्टिल $20 मेक, इट हैव मोर देन 90 पोस्ट, व्हाट टू डू, कीप कंटिन्यू और लीव ब्लॉगिंग, आई कांट अर्न एनफ टू रिन्यू डोमेन। कहां भाई, डोमेन को अगर रिन्यू करना है तो दैट विल कॉस्ट जस्ट $5 or $6, इससे ज्यादा नहीं होता है। और अगर आपको $20 की आ रही है तो अल्टीमेटली आपको कंटिन्यू करना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। आपने 90 पोस्ट लिखे, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा क्वालिटी कंटेंट लिखिए, आपने प्रॉपरली कीवर्ड को टारगेट नहीं किया है, एसईओ ऑन पेज नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से आपकी साइट रैंक नहीं हो पा रही और अर्निंग रेवेन्यू ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है। डू नॉट क्विट, होता है ऐसा चेंजेस, आपको कुछ स्ट्रेटेजी यूज करनी है। और चलिए मैं बताता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि कैसे आपके एग्जिस्टिंग पोस्ट को आपको रीराइट करना है जिससे कि आपकी साइट पे आपको इनहांस और बूस्ट मिलेगा, और ये पेड है लेकिन यहां पे मिलेगा आपको फ्री में। सो गाइस डेफिनेटली मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा, ये बहुत ही इजी टेक्निक्स है जिसको लेकर के मैं खुद काम करता हूं, मेरे पुराने पोस्ट को अपडेट करता हूं और वहां से ट्रैफिक में डेफिनेटली चेंजेस आता है। सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, सब्सक्राइब इट, ताकि आपको वहां पे इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। चलिए अभी नेक्स्ट हम 2 से 3 कमेंट लेंगे और इसके बाद में इसको क्लोज करेंगे, बहुत बड़ी लिस्ट है गाइस, तो जो मिस हो गए हैं तो डेफिनेटली मैं उनको वहां पर कमेंट कर दूंगा, तो शायद आपके आंसर्स वहां पे मिल जाए। जहां से एक क्वेश्चन मुझे बार बार यहां पे हाईलाइट हो रहा है कि पहला जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि
आप वर्डप्रेस के थ्रू, सॉरी नॉट वर्डप्रेस, आप एक्चुअली विकिपीडिया के थ्रू बैकलिंक कैसे ले सकते हैं। तो गाइस बहुत इजी टेक्निक से, लेकिन विकिपीडिया से जो आपको बैकलिंक्स मिलता है वो नो फॉलो मिलता है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि विकिपीडिया के केस में क्या करना होगा कि आपने जो पोस्ट लिखा है उसका कीवर्ड आपको विकिपीडिया के एक्जिस्टिंग पेजेस में जाना और वहां से आपको डेड लिंक ढूंढना है। डेड लिंक एक ऐसा लिंक जहां से किसी ने पहले लिंक कर रखा था लेकिन वो पेज हटा दिया गया, तो वो डेड लिंक आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। उस डेड लिंक के साथ में आप आपके पोस्ट को लिंक कर सकते हैं, लेकिन वहां से बैकलिंक जो मिलेगा वो नो फॉलो मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली वहां से मैनुअल यूजर्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस पे वीडियो डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। सो आपका सवाल यहां पे दो तीन लोगों ने सेम चीज पूछा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसको पिक करूं। सो डेफिनेटली हम उस पे काम करेंगे, विकिपीडिया से बैकलिंक। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट सवाल है लर्निंग अर्निंग से, और इनका कहना है कि हाउ यू गॉट अ जॉब इन अब्रॉड। जी दोस्तों, एक्चुअली मैं हूं अभी यूके के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, तो इनका कहना सही है। तो भाई मैं आपको बता दूं कि एग्जैक्टली मैं यहां पे आईसीटी के वीजा हूं, इंट्रा कंट्री ट्रांसफर टियर 2, जहां पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक कंपनी इंट्रा ट्रांसफर करती है अपनी इंडियन कंपनी से, यहां पे जो ओवरसीज कंपनी होती है वहां पे ट्रांसफर करते हैं, और यहां पे हम क्लाइंट के साथ में काम करते हैं, और बेसिकली इस चीज के लिए हम लोग यहां पे डिप्लॉय किया जाता है। तो अगर आपको चाहिए कि अगर आप अब्रॉड में जॉब करना चाहते हैं, तो गाइस इसके दो तरीके हैं, या तो आप एज ए स्टूडेंट यहां पे आ सकते हैं, या फिर आप किसी वर्क परमिट के वीजा पे आ सकते हैं। वर्क परमिट के वीजा के लिए एक्चुअली आपको यहां पे जरूरत है स्पॉन्सरशिप की, कोई कंपनी आपको यहां से स्पॉन्सर लेटर भेजे उसके बेसिस पे आप यहां पे आ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टूडेंट वीजा पे आना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको टॉफल जैसे एग्जाम्स क्लियर करने होंगे, और उसके रैंकिंग के बेसिस पे अगर आपको यहां पे कोई कॉलेज मिलते हो तो यहां पे एजुकेट हो सकते हैं, और इसके बाद में आप ड्यूरिंग एजुकेशन ही आप यहाँ पे जॉब भी कर सकते हैं, और इसके बाद में यहाँ पे इंटर्नशिप के बाद में अगर आपको परमानेंट जॉब मिल जाते हैं तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इन शॉर्ट मैं यहाँ पे हूँ आईसीटी वीजा पे, इंट्रा कंट्री ट्रांसफर टीएल 2, और बेसिकली वर्क परमिट वीजा होता है जहां पे ये इनिशियली 2 साल के लिए दिया जाता है, देन प्रोबेबिलिटी एक्सटेंड हो जाता है अगर किसी के पास काम होता है तो इस तरीके से आप आ सकते हैं। और चलिए दो क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं कि भाई आप एडसेंस अप्रूव करा देंगे। नहीं भाई, मैं इसमें किसी चीज में डील नहीं करता हूं, आई डू नॉट हैव एनी सोर्स के जो आपके लिए करके दें, लेकिन मैं ये जानता हूं कि कैसे आप अप्रूवल ले सकते हैं, क्या आप ऐसा करेंगे, साइट पे अप्रूवल ले सकते हैं। तो ये जो गूगल एडसेंस अप्रूवल की जो मैंने टिप्स की एक पोस्ट जो एक वीडियो बनाई है उसको जाके डेफिनेटली देखिए, उस रूल्स को फॉलो कीजिए, डेफिनेटली आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट इनका है HD म्यूजिक, इनका कहना है कि ब्रो इस टाइम पे कौन सा नीच अच्छा होगा। देखिए नीच सिलेक्शन डिपेंड करता है आपकी हॉबी पे, नीच आप कुछ और चूज करें जहां पे आप लिख नहीं पाओगे तो कितना लंबा ब्लॉगिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप रियली में इंटरेस्टेड है किसी नीच सर्च को लेकर कि कौन सा नीच आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो आपको नीच कैसे सर्च करना है इसके लिए एक वीडियो है, वहां पे जाकर के आप देखिए, आई बटन के अंदर लिंक है, वहां से आपको पता लग जाएगा कैसे अच्छे से अच्छी नीच को आप सर्च कर सकते हैं अच्छी खासी ब्लॉगिंग के लिए। और मेरा मानना है कि अगर आपको नीच सेलेक्ट करें तो अर्निंग सोर्सेस वाला नीच सेलेक्ट करें, क्योंकि एक ऐसी नीच होती है जहां पे आपका आरपीएम बढ़ जाता है एडसेंस के थ्रू, तो अर्निंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और लोग इसमें बहुत सर्च करते हैं हाउ टू मेक मनी, फाइनेंशियल एडवाइस अगर आप किसी को दे सकते हैं, तो इस तरीके का अगर आप पोस्ट लिखते हैं तो डेफिनेटली वहां पे अर्निंग्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और कुछ गाइस और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, इतने कमेंट्स हम जा नहीं सकते, तो चलिए एक लास्ट है इसको कवर कर लेते हैं। और ठीक है, इनका जो कहना है वो है नेहल पटेल, इनका कहना है कि भाई ब्लॉगिंग में 3 से 4 दिन काम करके पोस्ट लिखना बंद कर देते हैं लोग, कंसिस्टेंसी कैसे रखते हैं, सबसे बड़ा सवाल। तो गाइज इसके लिए कंसिस्टेंसी, यही मैंने बोला कि अगर आप नीच वेबसाइट इस तरीके की चूज करते हैं जहां पे आपका इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे लिख पाओगे। ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, अगर आप कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे आपकी साइट पे कंटेंट आता रहेगा तो एक के बाद में दूसरा कीवर्ड रैंक करेगा। अगर आपने 2 पोस्ट 3 पोस्ट लिखे फिर भूल गए, 1 महीने के बाद में फिर से लिख रहे हैं, तो यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम गूगल। गूगल को कंटिन्यूटी चाहिए, क्राउलर को कंटिन्यूटी चाहिए आपकी साइट पे आए, तो मोटिवेशन का सिर्फ एक सोर्स होता है कि आप वो चूज करें जिसमें आप लिखने में माहिर हैं। और हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग चीज, स्टार्ट के 3 महीने तक आप सोचिए ही मत कि आपको क्या अर्निंग होने वाले, क्योंकि अर्निंग एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है। तो 2 आपके पास मोटिवेशन है, या तो कैसा भी करके 3 महीने के अंदर इतने पोस्ट लिखिए जिससे कि आपकी साइट पर अर्निंग जनरेट हो जाए, या दूसरा मेरे वीडियोस देखते रहिए जहां पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ में वहां पर अर्निंग्स पे दिखाता रहता हूं। तो ये 2 सोर्सेस आपके पास अगर आप रियली में कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं ब्लॉगिंग के साथ में। लेकिन एक चीज लिख के रखिए, अगर आपने कंसिस्टेंसी बना के रखी है तो डेफिनेटली अर्निंग होगी, आज नहीं तो कल होगी। और एक चीज और मैं बता दूं कि गूगल जो होता है उनकी जो वेबसाइट्स, जो न्यू ब्रांड न्यू वेबसाइट होता है जिसपे आप अगर सिर्फ कोर्स का काम करते हैं तो
वेबसाइट मिनिमम 6 से 7 महीने उनके सैंडबॉक्स में रहती है, मतलब जिसपे गूगल बिलीव नहीं करता है कि ऑथोरिटी है या नहीं है। इसके बाद में वो उस पर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करता है, तो इसके लेकर के हम पूरा वीडियो बनाएंगे कि गूगल में वेबसाइट को रैंक करने में कितना टाइम लगता है। और अगर थोड़ा सा नहीं पता हो तो एक ऑलरेडी ओवरव्यू वाला वीडियो मैंने बना रखा है आई बटन के अंदर, उसको जाकर देखिए। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर से मिलेंगे अगले वीक को जहां पर हम फिर से आपके बहुत सारी क्वेरीज डिस्कस करेंगे। मोस्टली क्वेरीज मैंने कवर की हुई है, कुछ कुछ के मिस हो गया, तो गाइज इस वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वापस रिप्लाई करूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।